हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। तो आज जो है हम लोग क्लास ट्वेल्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले की कक्षा में मैंने आपको प्रथम चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंट है, सब कुछ करा दिया है। तो आज हम लोग करेंगे सेकेंड चैप्टर का। तो चलिए फटाफट हम जो है क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, बताइएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि क्षेमेंद्र, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। क्षेमेंद्र थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं इसका, ये वाला ठीक रहेगा, हाँ ठीक। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, यानी जो क्षेमेंद्र हैं उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा है, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, या फिर बृहद कथा मंजूरी, या फिर कथा सरित सागर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना जो है जिन्होंने क्षेमेंद्र किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बृहद कथा मंजूरी, ये पुस्तक क्षेमेंद्र ने लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, इंडिका किसकी रचना है, यानी बताना है कि इंडिका किसने लिखा है, इंडिका किसने लिखा है, चाणक्य ने, मेगास्थनीज ने, हर्षवर्धन, या फिर कालिदास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा इंडिका वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिएगा जो चाणक्य है, ये आपको पता होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यानी पीएम थे। उसके बाद ये जो कालिदास है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कवि थे। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दभित्र कहा जाता है, बताना है कि गुप्त में कौन ऐसा शासक था जिसको लिच्छवी दभित्र कहा जाता था। क्या वो समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त था, कुमारगुप्त था, या फिर स्कंदगुप्त था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समुद्रगुप्त। अब यहीं पर देखिएगा, आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का संस्थापक। और उसके बाद जो कुमार गुप्त था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। और जो स्कंद गुप्त था, इसी के समय हूनों ने आक्रमण किया था। तो ये तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, समुद्र गुप्त। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे, तो बताना है कि हस्ती सेना का जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे। तो बताइए इसका फटाफट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी महापिलुपति कहते थे, यानी महापिलुपति कहा जाता था, जो गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रमुख होता था उसको महापिलुपति कहा जाता था। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो निम्न में से महिला संत कौन थी, ये आपको बताना है कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से महिला संत कौन थी, मीरा थी, अंडाल, या फिर काराकाइल, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी इनमें से सभी, ये जितने भी महिला है, चाहे मीरा हो, अंडाल हो, काराकाइल हो, ये तीनों क्या थी, ये तीनों संत थी। तो 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, यहाँ चेंज कर देना, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 6, धम्म की शुरुआत किसने की थी? आपको ये बताना है कि धम्म की शुरुआत किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक ने या फिर कनिष्क ने? फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अशोक, अशोक ने धम्म की शुरुआत की। अच्छा अब यहीं पर देखिएगा, अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को। अच्छा अब यह जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये मानता था जैन धर्म को, तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य मानता था जैन धर्म को, अशोक मानता था बौद्ध धर्म को, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? आपको ये बताना है, पहला है हिटलर से, नेपोलियन से, बिस्मार्क से या फिर मुसोलिनी से? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। अच्छा अब बात आई समुद्रगुप्त के बारे में, तो सुनिएगा ध्यान से। समुद्रगुप्त के बारे में कहा गया है, ये पुराण के बारे में कहा गया, पुराण में ये बताया गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। ये बात आपको याद कर लेना है कि घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, और ये कहाँ कहा गया, ये कहाँ कहा गया है, तो ये कहा गया है पुराण में। तो 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कुणाल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, और इसके दरबार में चाणक्य पीएम थे, ये आपको याद कर लेने हैं। अच्छा मैंने आपको ही बताया कि जो अशोक था ये किस धर्म को मानता था, तो ये बौद्ध धर्म को मानता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये कितना है, 8, ये 9 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है, पाटलिपुत्र में हुआ था, तक्षशिला में हुआ था, श्रवण बेलगोला में या फिर उज्जैनी में हुआ था? तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा श्रवण बेलगोला में, यानी चंद्रगुप्त की मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुआ था, और ये कहाँ पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। अच्छा अब देखिएगा, ये जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, तो आपको याद होगा किसने किया था, तो उदाई ने किया था, पाटलिपुत्र की स्थापना उदाई ने किया था। तक्षशिला क्या था, यह मौर्य वंश के काल में सबसे शिक्षा का जो केंद्र था वो था तक्षशिला था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? अभी मैंने आपको बताया, इसका बताइए फटाफट आंसर क्या हो जाएगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को मानता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अच्छा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको याद होगा कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। और जो हमारा अशोक था शासक, वो किस धर्म को मानता था, वो भी बौद्ध धर्म को मानता था। चलिए आइए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? आपको ये बताना है, आपने तो ये देख लिया कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब पूछा है कि इसका अंतिम शासक कौन था, अशोक, कुणाल, सप्रति या फिर बृहद्रथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 12, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? आपको ये बताना है, कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या फिर लवण्याध्यक्ष? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पन्याध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, दिल्ली या फिर विदिशा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र का था इसका राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है, कलिंग जो है कहाँ स्थित है, बिहार में, उड़ीसा में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उड़ीसा, यानी कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में है, कलिंग उड़ीसा में है। अच्छा, कलिंग पर आक्रमण किसने किया था? तो अशोक ने किया था, आपको याद होगा अशोक ने किया था। जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो यहाँ पर बहुत सारे है ना नागरिकों को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको मार कर दिया था, और इसी युद्ध में उसने प्रण लिया था कि मैं आज के बाद युद्ध नहीं करूँगा। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, अंतःपुर का रक्षक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राजकीय कर संग्रह अधिकारी, ये इसका बिल्कुल ठीक जवाब होगा। तो ये था आज का सेशन का 15 क्वेश्चन। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 16, ये इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या है? आपको इसका आंसर कमेंट में छाप देना है। तो ये रहा आज का सेशन। अब जो है कल इसका दूसरा वीडियो आएगा, पार्ट टू आएगा, इसी प्रकार हम प्रत्येक चैप्टर का लगाएंगे और ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं इसके कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।